नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के औनी गांव से हम लोग मौके पर आ चुके हैं। चलिए चल के देखते कहां पे और कौन सा सांप है। ऐसा बताया गया है कि यहां पर जेसीबी से पुराने मकान को गिराया जा रहा था, तो कोई सांप था जो थोड़ा घायल हो गया और इन्होंने उसको बचाने के लिए हमें फ़ोन किया ताकि हम लोग उसका सुरक्षित रेस्क्यू और ट्रीटमेंट कर सकें। और आप लोग सामने देख सकते हैं, यहाँ पर सांप हमें दिखाई दे रहा है और यह एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा सांप है। इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी कि नाग। लग गया क्या? इसको चोट लग गया था क्या? और ये काफी बुरी तरह से चोटिल हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं जख्मी हुआ है कि इसे बचाया ना जा सके। इसकी जान को हम लोग बचा सकते हैं। इसकी जान बचाने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और अगर ईश्वर ने चाहा तो इसकी जान बच जाएगी। तो हम लोग इसको यहाँ से ले जाने के बाद डॉक्टर के पास ले जाएंगे और जो भी उचित ट्रीटमेंट होगा हम लोग रेप्टाइल्स के डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट यहाँ के लोकल डॉक्टर्स की मदद से करेंगे। तो यहाँ से ले चलने के बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद इसके चोट में जैसे हम लोग को रिलीफ दिखाई देगा हम लोग इसको जंगल में रिलीज कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये अपनी चोट का बदला किस तरह से ले रहा है। इंसानों ने इसे चोट पहुंचाया तो ये भी इंसानों को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसने हमारे जूते में अपना दांत गड़ा दिया और अपने अंदर का सारा जहर, जितना भी जहर इसके अंदर इसने बचा के रखा हुआ था, निकाल दिया ताकि इसकी जान बच जाए। इसको अभी भी लग रहा है कि हम लोग इसको मार देना चाहते हैं क्योंकि हमारी वजह से, हम इंसानों की वजह से इसको चोट आई है। भले हम लोग इसको चोट पहुँचाना नहीं चाहते थे, लेकिन जाने अनजाने में इसको चोट इंसानों की वजह से ही आई है। तो ये भी अपना गुस्सा निकाल रहा है। ये जीव है क्योंकि इनको सोचने समझने की क्षमता नहीं है कौन हमारा अच्छा कर रहा है कौन हमारा बुरा कर रहा है। इनका काम है काटना और हमारा काम है इनकी जान बचाना, अपने पर्यावरण को संरक्षित करना, जो हम लोग कर रहे हैं। इसको यहाँ से पैक करने के बाद हम लोग ले जाएंगे, पहले अच्छे ढंग से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद इसकी चोट में रिलीफ मिलने पर हम लोग इसको इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज कर देंगे। क्योंकि अपेक्षाकृत ये कोई भी जीव हो अपने अनुकूलित वातावरण में अच्छे ढंग से रिकवरी करता है, अच्छे ढंग से ठीक होता है, रिकवर करता है। ऐसे रख लेंगे क्या? ट्रीटमेंट का मार्केट में ठीक है, क्लीन करके फिर ट्रीटमेंट करके रिलीज कर देंगे। इसके चांसेस है अच्छी जगह रिलीज कर दे, बच सकता है। इसमें टाका लगाने की जरूरत नहीं, टाका नहीं लगाएंगे। ऐसे कहीं इसको सेफ जगह पे छोड़ देंगे, ये खुद रिकवर कर लेगा। चीटी नहीं लगना चाहिए। चलिए और गिरवाइए, और भी हो सकते हैं सब। इस पुराने घर में और भी सांपों के होने की संभावना है, इसलिए हम लोग सभी दीवारों को अपने सामने गिराएंगे ताकि और कोई सांप घायल ना हो और कोई सांप चोटिल ना हो। तो पूरी दीवार गिराने के बाद जो भी अन्य सांप मिलेंगे हम लोग उनका भी रेस्क्यू करेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग इस सांप को लेकर के जाएंगे, इसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद जंगल में रिलीज कर देंगे। और हमें अन्य कोई सांप नहीं मिला तो हम लोग इस सांप को लेकर के डॉक्टर के पास आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग
इसको निकाल लेंगे और हमने एक पाइप भी लिया हुआ है जिसमें इसके सिर को डाल देंगे हम लोग, इसके गर्दन वाले हिस्से को डाल देंगे ताकि ये अच्छे से ब्रीथ भी कर ले और हमें भी ट्रीटमेंट के दौरान कोई खतरा ना हो, ना ही डॉक्टर को कोई खतरा हो। यही डॉक्टर साहब है जो हर बार हमारे सांपों का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे इलाके में, हमारे मार्केट में, हमारे गांव में सांपों का कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं है, रेप्टाइल्स का कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं, ना ही किसी की हिम्मत पड़ती है। तो हम लोग जो भी रेप्टाइल के एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं पहले उनसे कंसल्ट करते हैं, उसके बाद इन डॉक्टर साहब की मदद से हम लोग सांपों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद जंगल में रिलीज कर देते हैं। तो अब हम लोग इसको पाइप में पैक कर लेते हैं, उसके बाद ले चल के इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और यहाँ पर हम लोग सांप को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। हम लोगों ने काफ़ी देर तक इसको अपने पास रख के देखा, जब इसके हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तब हम लोग इसको इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया, क्योंकि कोई भी जीव हो जब वो अपने अनुकूलित वातावरण में चला रहता है तो अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से रिकवर करता है अगर उसे कोई चोट लगी रहती है, इसलिए हम लोगों ने इसे रिलीज कर दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।